कराची में ग्रैंड बीच क्लीनअप कंपटीशन का प्रोग्राम मुनक्कित किया गया, जिसको कोर्डोबा स्कूल ने ऑर्गेनाइज कराया, जिसमें कई एनजीओस, स्कूल, कॉलेजेस, आवाम की बड़ी तादाद ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, जिसमें एएसएफ फाउंडेशन ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस तकरीब का मकसद कराची के साहिल को साफ करना और एक मैसेज देना था कि अगर आप थोड़ी सी एफर्ट्स लगाएं तो इस मुल्क को साफ किया जा सकता है। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी एएसएफ फाउंडेशन के सीईओ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड गुलाम हबीब ख्वाजा थे। मुख्तलिफ स्कूल के बच्चों ने एएसएफ फाउंडेशन की मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारा मकसद लोगों को आगाही देना है कि ये मुल्क पाकिस्तान हमारा है और ये शहर हमारा है, इसको साफ करना भी हमारी जिम्मेदारी है। एएसएफ फाउंडेशन के सीईओ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड गुलाम हबीब ख्वाजा ने बात करते हुए बताया कि हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं तो इस मुल्क को क्यों नहीं रख सकते। आज का ग्रैंड बीच क्लीनअप कंपटीशन का मकसद ही यही है कि अगर हम कचरे को साफ करके कूड़े दानों में डालेंगे तो ये मुल्क और शहर साफ होगा, तो इसके फ़वाद भी हम ही को मिलेंगे, जिससे कई किस्म की बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हमने अपने प्रोजेक्ट एएसएफ सिटी में इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा तवज्जा दी है। आज इस दिन का मुनक्कद करने का मकसद ये है कि जो हमारे इर्द गिर्द के जो एनवायरनमेंट है, स्पेशली जो बीचेज़ हैं हमारे शहरों में, जो कराची शहर है उसमें जो बीच है इसकी काफ़ी बुरी हालत थी, तो आज एक हमने एफर्ट किया, कलेक्टिव एफर्ट किया, हमने स्कूल के बच्चों के साथ और फिक्सेट के साथ और बाकी जो है सोशल जो हमारे जो लोग हैं यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं उनको हमने लेकर साथ आए हैं, और इसका मकसद ये है कि जो हम अपने बीच को क्लीन रखें, यहाँ पे लोग सैर व तफरी के लिए आते हैं, उनको ये आगाही दी जाए कि जो बीच जो है उसको साफ़ रखेंगे तो उसका फ़ायदा हमारे लिए कितना होगा, लोग यहाँ पे आके बैठेंगे, यहाँ पे आके इन्जॉय करेंगे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आज ही हमने ये कैंपेन जो है कॉर्डोबा स्कूल के साथ मिल के ये किया है, उनकी मैनेजमेंट के साथ, और आप देख सकते हैं इस वक्त बीच जो है कितना, पहले क्या हालत थी और अब क्या हालत है, इसको हमने साफ़ किया है। सो मैं यही पैगाम देना चाहता हूं कि ये आपका अपना शहर है, आपका अपना मुल्क है, इसको साफ़ रखें, तो इसमें जो है सबकी जो है वो इसमें जो है सबकी कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिव भी, और ये इवेंट जो है ना वो मुनक्कद करना चाहिए अक्सर, ताकि गवर्नमेंट के साथ साथ हम एज ए शहरी भी जो है ना इस पर कंट्रीब्यूट कर सकें। थैंक यू। आखिर में अवार्ड सेरेमनी का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कोर्डोबा स्कूल की जानब से शील्ड्स और तवाइफ रखे गए, जिसको मेहमान खुसूसी एएसएफ फाउंडेशन के सीईओ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड गुलाम हबीब ख्वाजा ने बच्चों में तकसीम किए।